सुने श्री रामचरित मानस कान आज भाग 165वां। संगीतकार सतीश भाटिया। राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी, किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी हरि कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए सुर सरि तीर आप तब आए। मागी नाव न के बटुआना कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई मानुष करनी मूरी कछु अहई। छुवत सिला भई नार सुहाई पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरिनी होई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एही प्रतिपालु सब परिवारु नहीं जानौ कछु और कबारु। जौ प्रभु पार अवसी गा चाहो मोहि पद पदुम पखारन कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनु पै जब लगी न पाय पखारी हूँ
तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हम। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई सोई कर जेहि तव नावन जाई। बेगियानु जल पाय पखारो होत विलंब उतार ही पारो। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा जेहि जग कियति हु पगहु ते थोरा। पद नख निरखि देव सरि हरखि सुनि प्रभु बचन मोह मति करखि। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरि लेयावा। अति आनंद उमगि अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारि जल पान करि आप सहित परिवार पितर पार करि प्रभु ही पुनि मोदित गयो ले पार। उतरी ठाड़ वै सुर सरी रेता सीय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। पियहि अखीसिय जान निहारे मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेहि उतराये केवट चरण गहे अकुलाए। नाथ आज मैं काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी आजु दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिया मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तीरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज 165वां भाग आपको सुनवाया गया। संगीतकार थे सतीश भाटिया।